के, भारत माता के, बंद करो बंद करो, पशुओं की हत्या बंद करो बंद करो बंद करो। केरल में राष्ट्रवादी लोगों की सोची समझी साजिश के तहत हो रही हत्याओं के विरोध में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कठुआ इकाई के छात्रों ने रोष पूर्वक रैली निकाली। जिला सचिवालय के सामने जोरदार नारेबाजी करते हुए केरल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर जिला उपायुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। रैली का नेतृत्व करते हुए एबीवीपी के जिला संयोजक मयंक बगोत्रा ने कहा कि केरल में जिस प्रकार से पिछले कुछ समय से राष्ट्रवादी लोगों की साजिश के तहत हत्या की जा रही है, एबीवीपी उसका कड़ा विरोध करती है। केरल में हो रही इन हत्याओं के विरोध में 11 नवंबर को तिरुवनंतपुरम में एबीवीपी द्वारा एक विशाल रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर से लाखों एबीवीपी कार्यकर्ता शामिल होंगे और केरल सरकार को राष्ट्रवादी लोगों की हत्याएं बंद करने की चेतावनी देगी। माध्यम से हम जो केरल में जो वामपंथियों के द्वारा जो राष्ट्रवादी विचारधारा के लोगों की जो हत्या की जा रही है उसके विरोध में ये आज हमने यहाँ पे रैली कर रहे हैं। और मैं आप सबको बताना चाहूंगा, विद्यार्थी परिषद भारत ने एक अभियान चलाया, चलो केरला अभियान में हमने 11 नवंबर 2017 को हमने तिरुवनंतपुर केरला में हमने एक विराट रैली रखी है और उस रैली में 50,000 से ज्यादा छात्र शक्ति पूरे देश भर से वामपंथियों के विरोध में केरल में इकट्ठे होने वाली है। और हम वामपंथियों को ये चिताना चाहते हैं कि अगर ये खूनी खेल जल्द से जल्द बंद नहीं हुआ तो पूरे देश का युवा, पूरे देश का विद्यार्थी परिषद, 30 लाख के, उनको बताना चाहूंगा, 30 लाख के से ज्यादा हमारी मेंबरशिप है, 30 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता है। कल को 30 लाख कार्यकर्ता केरल में पहुंच गया ना, उनको गवर्नमेंट, उनका वहां पे रहना मुश्किल हो जाएगा, रहना मुश्किल हो जाएगा। और ये मैं उनको एक बार फिर से उनको बोलना चाहता हूँ, ये खूनी खेल बंद होना चाहिए, जो मासूम है उनकी हत्या बंद होनी चाहिए। कठुआ से मोहन शर्मा, ऑल आउट इंडिया न्यूज, ब्यूरो रिपोर्ट।